गुड मॉर्निंग क्लास फाइव हिंदी व्याकरण। पार्ट दो वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों को लिखने जिस विधि से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या खंड नहीं किए। हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वे किसी कोई न कोई वर्ण होती है, इसी को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। सभी वर्णों के मेल से बने से ही बनते हैं। किस शब्द से कितने वर्ण या अथवा कितनी ध्वनियाँ समाहित होती हैं उनको जानने के लिए उनके टुकड़े किए जाते हैं। जैसे कमल है, कमल में कितनी ध्वनियाँ हैं आप लोग देखिए। कमल, कमल इसमें क्या है? क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ बराबर क्या है? एक दो तीन चार पाँच छह ध्वनियाँ हैं। छह ध्वनियाँ इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? छह ध्वनियाँ निकलती हैं। क क अ का मात्रा नहीं होता, अ का मात्रा नहीं होता, लेकिन क और अ मिलकर क्या होता है? पूरा क होता है। क अ मिलकर आधा क और अ मिलकर क्या होता है? बराबर क होता है। ठीक इसी प्रकार क म ल क धन अ धन म धन ल धन ल धन म इसका बराबर कमल। ठीक पुस्तक ऐसे है, पुस्तक पुस्तक प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ इसमें सात ध्वनियां हैं। सात ध्वनियां इसमें कितनी ध्वनियां हैं? सात ध्वनियां हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। आप लोग वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद दो होते हैं, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर जानते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋषि वाला ऋ और अं अह जो बचता है इसमें अं अह वो तो न तो स्वर है न तो व्यंजन है। फिर क्या है वो? न तो स्वर है न तो व्यंजन है, फिर क्या है वह? अयोवा है। इसलिए अंग और अह को छोड़ दिया जाता है। स्वरों की संख्या आपको कितनी है?
कितने जाने 11, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या 33, ठीक। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसका उच्चारण स्वयं हिंदी वर्ण। वेलकम बैक। देखिए आप लोग स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। हाँ देखिए, अनुस्वार क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अं, वर्ण का चिन्ह ऊपर बिंदु होता है, जैसे पंख हो गया, पंख खा, कॉपी अंग घा, ये क्या है अनुस्वार, कं नाक से होता है इसका, इससे नाक से जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, ठीक। अनुनासिका, जिन वर्णों का अनुनासिका क्या है, अनुनासिका जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों, हवा नाक और मुंह दोनों के से बाहर निकलती है, नाक और मुंह से, हवा नाक और मुंह से दोनों बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिका कहते हैं। जैसे गांठ, गांव, गांठ, 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 वो ये क्या है अनुनासिका, अनुनासिका। चांद, आंख, आंख, ये नाक से और नासिका। अयोगवाह आप लोग जानते हैं, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह, ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है। विसर्ग क्या है, विसर्ग, विसर्ग क्या है, जैसे अह, जैसे बगल में दो सुना अह, ये विसर्ग होता है, ठीक। विसर्ग जैसे प्रातः, अतः, पूर्णतः, ये विसर्ग होता है। इसका आगत, आगत ध्वनि क्या है, अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण आ को ही स्वर, आ को ही स्वरों में ले लिया गया है। जैसे डॉक्टर, काफी, डॉक्टर कैसे लिखा जाएगा, डॉक्टर, काफी, काफी, ये डॉक्टर और काफी ये क्या है आगत ध्वनियां है। ऑफिस, माल, ये क्या आगत ध्वनियां। स्वरों के भेद कितने हैं, हरा स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के भेद, स्वर के कितने भेद हैं, स्वरों के भेद 3 है, हरा स्वर, हरा स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक। हरा स्वर क्या है, अ, ई, उ और ऋषि वाला भी हरा स्वर है। अ, ई, अ, ई, उ, ऋषि वाला भी ये हरा स्वर है। और दीर्घ स्वर क्या है, आ, ई, बड़ा ई, बड़ी आ की मात्रा और ए, ए, ओ और अंग, औ, औ।
ये दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये क्या है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर जैसे ओम 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 हेम, ये क्या है प्लुत स्वर है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्रा अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आप लोग जानते हैं व्यंजन ये ध्वनियां जिनके बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, आप लोग जानते हैं। ये व्यंजन, व्यंजन के भेद कितने हैं, तीन हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ को कंठ ताल मूर्धा दंत या ओष्ठ को स्पर्श करता है। इन्हें पांच वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से हैं, क ख ग घ अंग कंठ है। च में च छ ज झ ञ ताल है। ट में ट ठ ड ढ ण मूर्धा है। त वर्ग में क्या है, त थ द ध न दंत है। त थ द ध न। प वर्ग में क्या है, प फ प भ म एक ओठ, प फ प भ म ये ओठ से छुआता हुआ है इसलिए ये ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित है इसलिए इन व्यंजनों का अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है, य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। उष्ण व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से तेज गति से निकलने वाली वायु गर्म उष्ण हो जाती है इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है, श ख श ह, श ख श ह। संयुक्त व्यंजन क्या है, जो वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ और श्र, ये चार है संयुक्त व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है, दो समान व्यंजनों के संयोग से निर्मित व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे ट और ट, आधा ट पूरा ट, ट ट बराबर ट। अन्य व्यंजन हिंदी भाषा में अंग र को अन्य व्यंजन के अंतर्गत, पेड़ पेड़, सड़क, नीड, बूढ़ा, बढ़ना, अंग और व्यंजन शब्दों के बीच के अंत में प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन स्वयं संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग, जैसे र का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है,
थैंक यू।